और पोस्ट पड़ता है सुकरौली, सुकरौली सटी है, सुकरौली ये चौराहे से इधर हाँ चौराहे के आसपास सुकरौली है ना, तो क्या लिखे हैं गीता पाठशाला का नाम? इतना लंबा लंबा और टीवी का स्क्रीन ही भर जाएगा सुकरौली। सुख या सुख दोनों बातें कैसे होंगी, या तो सुख होगा या तो रोला मचाने वाला होगा। सुकरौली शुक्रवार है, हाँ जी। बाबा ये टीवी पे रेडियो में जो आएगा कब से आएगा? मैंने VCD सुनना सारा बंद कर दिया है? प्रत्यक्ष होगा तभी तो माना जाएगा, प्रत्यक्ष नहीं होगा तो जन्म कैसे कहा जाएगा भगवान का? 2018 के अंदर हो जाएगा कि बात हो, फिर वही बात। मैंने तुमने VCD सुनना ही बंद कर दिया अब है? है? सुन रहे तो उसने बताया नहीं है तो संगम की कृष्ण है नेक्स्ट टू गॉड कहा जाता है, उसका प्रत्यक्षता रूपी जन्म कब है पता ही नहीं चला। बाप बच्चे के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं, बाप का फर्स्ट क्लास बच्चा कौन है? बाप है रचयिता, उसकी फर्स्ट क्लास रचना कौन है? है तो उसके द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं, वो टाइम नहीं बताया। अब बोल गए इतिहास से होते हुए बहुत लोगों को बहुत लोग जो है अपने बहुत लोग मर जाते हैं बर्बादी ज्यादा। जब 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 नारायण प्रत्यक्ष होगा, एक तरफ जब प्रत्यक्षता होगी तो विनाश नहीं शुरू होगा है? फिर क्या बात है? और बिहार बाहर लागेगा लाएगा या नहीं लाएगा है? और बाबा ये एडवांस की विजय माला बनेगी। एडवांस की विजय माला? एडवांस की विजय माला कैसे बनेगी? एडवांस की तो रुद्रमाला है, विजय माला को भी रुद्रमाला बना लेंगे है? जो विजय माला की आत्माएं हैं जब एडवांस में आके मिक्स हो जाएंगी तो वो भी क्या बन जाएंगी? रुद्रमाला पक्की मजबूत बन जाएगी, राजाओं की माला बन जाएगी।
अभी राजाएं कहे या आधीन कहे, अभी क्या कहे? अभी जो रुद्रमाला के मणके हैं उनको आधीन कहे या राजा कहे? अभी तो आधीन है, अभी बताया माया के दास और काहे के दास हैं, प्रकृति के दास। प्रकृति माने जो पांच तत्वों का बना हुआ शरीर है, उस शरीर में जो कर्मेंद्रियां हैं उन कर्मेंद्रियों के दास बने पड़े हैं। कर्मेंद्रियों की पूर्ति होती है तो खुश हो जाते हैं अल्पकाल के लिए, पूर्ति नहीं होती है तो दुखी हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। उदास माने? उदास माने दास। मामा मुरली में 500-700 करोड़ की मनुष्य है, आत्मा में से 500 करोड़ तो गर्भ में ही रहती है, है? पर मुरली में बोला है कि कम से कम एक जन्म का सुख हर एक आत्मा को मिलती है। 600 आत्माएं गर्भ में रहती है, 600 करोड़ गर्भ में रहती है, बाकी 1-1.5 करोड़ गर्भ में नहीं रहती है। पाँच सौ करोड़ जो बोले हैं मोस्टली वो तो मनुष्य की कोटि के हैं, जिनका मन चिंतन मनन चिंतन मंथन चलता है, मन काम करता है, मन बुद्धि। बाकी 200 करोड़ तो ऐसे हैं जैसे कीड़े मकोड़े आए और पतंगों के मिसल रात में आए और सवेरे को खलास, मनन चिंतन मंथन उनका जास्ती चलता ही नहीं है, इसलिए जैसे कि वो मनुष्य की कोटि के हैं ही नहीं। इसलिए मुरली में बोला है मोस्टली 500-550 करोड़ हैं मनुष्य और बाकी सब कीड़े मकोड़े हैं। बैठ क्यों जाते हैं जल्दी, समझ में आ गई बात? तो पूरी बात जो नहीं आई वो क्लियर कर लो। जानवर मिसल नहीं, पतंगे मिसल। जानवर की तो फिर भी लंबी आयु होती है, उनकी बुद्धि काम नहीं करती क्या बाबा? हाँ उनकी तो बुद्धि, कीड़े मकोड़े में कोई बुद्धि होती है? जानवरों में हाथी में देखो कितनी बुद्धि होती है फिर भी। ड्रामा चल रहा है, और हमारे आँख में पूर्व जन्म भी चोट लग गया, इसमें क्या चल रहा है? अरे तुम्हारा पूर्व जन्म का हिसाब किताब नहीं है, है? पूर्व जन्म का हिसाब किताब पूरा हो गया? हल्के हो गए कि भारी हो गए? क्यों हल्कापन अभी नहीं लगा, दर्द हो रहा है? ये भी हिसाब किताब है, आखिर दर्द बंद होगा कि नहीं होगा? तो हल्का लगने लगेगा। पूर्व जन्मों की बात तो बार बार भूल जाती है, नास्तिक धर्म वालों का इतना प्रभाव हो गया है, वो कहते हैं पुनर्जन्म होता ही नहीं, क्रिश्चियन मुसलमान भी कहते हैं पुनर्जन्म होता ही नहीं, एक ही जन्म होता है, फिर कयामत में खुदा आकर के सबको कब्र का दाखिल में से जगाता है, तब फिर दूसरा जन्म होता है। और बाप ने हम बच्चों को आकर के कल्प कल्प आकर के पुनर्जन्म की बात बताई कि तुम बच्चे अनेक जन्म लेते हो, 84 के चक्र में आते हो। अगर पुनर्जन्म की बात याद रहे तो ड्रामा याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? फिर प्रश्न ही पैदा नहीं होता, ऐसा क्यों हुआ, हमको दुख क्यों हो गया, कल्याणकारी है तो अकल्याण क्यों हो गया? शिव बाबा भी कल्याणकारी और ड्रामा भी कल्याणकारी, और हमारे हाथ में जो चोट लगी ये पार्ट भी, ये भी कल्याणकारी। अच्छा बाबा, ये ठीक होगा या ऐसे ही रहेगा? क्या चोट लगी है? सारी दुनिया ठीक होगी कि नहीं ठीक होगी? अरे सारी दुनिया ठीक होगी कि नहीं होगी?
तो ये छोटी सी चीज ऐसे ही बनी रहेगी। अरे मोदी हो गई और आगे बढ़ के लगा हो गया हो गया। हाँ जी बाबा, मोदी ने बोला कि रुमाल खोया तो कभी खुद को भी खोया। बिल्कुल, रूह का माल खो गया फिर क्या रह गया। वो कैसे बाबा? कोई भी चीज खो जाती है तो खोने के संस्कार पक्के हो जाते हैं कि नहीं? संगम युग में तो अलर्ट रहना चाहिए या अलबेले रहना चाहिए? अलबेलेपन के संस्कार संगम युग में आए, माना 84 जन्मों का खाता बिगड़ गया। हर समय अलर्ट रहना चाहिए। जो भी चीज हमको मिली हुई है वो यज्ञ की चीज है, ये हमारी अपनी चीज है। क्या समझना है? हमारे पास 2 रुपए भी हैं तो किसके लिए है? यज्ञ के लिए है या हमारे अपने लिए है? यज्ञ की चीज है। और यज्ञ का कणा दाना वो तो रूमाल है, फिर भी उसकी 5 रुपए कीमत है। और यज्ञ में एक चावल का दाना उसकी कीमत कितनी है? कम कीमत बताएगी ज्यादा बताई है? यज्ञ के एक कणे दाने की भी बहुत कीमत है, उसकी भी संभाल करनी चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो रूमाल तो बहुत बड़ी चीज हो गई। और हद के रूमाल की बात नहीं है, बेहद का भी रूमाल होता है। क्या रूह माने? क्या आत्मा? और आत्मा का माल माल क्या होता है? प्योरिटी। आत्मा में जितनी प्योरिटी होगी समझो बहुत माल मर्तबा बढ़ गया। जितनी प्योरिटी बढ़ती जाएगी उतनी मान मर्तबा बढ़ता जाएगा। रूह का माल बर्बाद नहीं करना चाहिए। बाबा मधुबन में बाबा स्वयं गौड़ी बांध कर आते हैं। हाँ, यहाँ मधु है और यहाँ बन है। मधु माने बेहद की मिठास वृत्ति है, वाइब्रेशन में मिठास भरा हुआ है, वाणी में मिठास भरा हुआ है। आपस के जो संकल्प है उसका लेन देन होता है, उनमें मिठास भरा हुआ है। तो वहाँ बाबा आवेंगे और उसका कड़ुआ बोल बोलने वालों के बीच में आवेंगे। कड़ुआ बोल देह अभिमानी बोलते हैं कि आत्मा अभिमानी बोलते हैं? देह अभिमानी कड़ुआ बोल बोलेंगे। देह अभिमानी बच्चों के बीच में बाप क्यों आवेगा? मैं तो बात भी नहीं करता हूँ। शिव बाबा क्या कहते? मैं किससे बात करता हूँ? मैं अपने आत्मा रूपी बच्चों से बात करता हूँ। वो तो देह अभिमान में रहते हैं, मान मर्तबे में रहते हैं, उनसे तो मैं बात भी नहीं करता हूँ। आगे चल के बिल्कुल ही बात करना बंद कर दूंगा। देहभान वालों से बात करना बंद कर दूंगा, आत्माभिमानी बच्चों से बात करूंगा। अभी भी ऐसे ही रूहानी बाप रूहानी बच्चों से बात करते हैं। तो मधुबन में मिठास वृत्ति है, वहाँ मधुबन है। जहाँ बेहद की वन की तरह जंगल की तरह वैराग वृत्ति है वहाँ मधुबन है। मिठास वृत्ति भी हो और साथ साथ वैराग वृत्ति भी हो तो जिन जिन आत्माओं के संगठन में बेहद की वैराग वृत्ति बेहद की मिठास वृत्ति है वहाँ वहाँ संगठन में मधुबन में मैं आता हूँ और दौड़ी पहन के आता हूँ।
क्या अपने आप दौड़ के आता हूँ, बुलाने की दरकार, मुख से बुलाने की, झांझ बजीरा बजाने की दरकार नहीं है। कहते हैं बाबा आप यहाँ क्यों नहीं आते, यहाँ देर से क्यों आते हैं, उसका कारण क्या बताया? जरूर संगठन में कड़ुए बोल चल रहे हैं, जरूर संगठन में लगाव झुकाव की बीमारी चल रही है, इसलिए बाबा का आना नहीं होता जल्दी जल्दी। बढ़िया प्रश्न करते हैं आप। और हाँ, मुरली के पॉइंट और निकालो, मुरली के पॉइंट समझने समझाने के लिए ही होते हैं, और काहे के लिए होते हैं। ज्ञान रतन है, गहराई में घुसो, सागर की गहराई में घुसते हैं तो रतन बढ़िया बढ़िया मिलते हैं। मुझे आता है ब्रह्मा विष्णु और क्या, शिव बाबा के मुकाबले शंकर भरतनाट्य पहनी है, शिव बाबा और शंकर ताऊ ये दोनों अलग अलग हैं कि एक ही एक? बोलो, शिव जयंती गाई जाती है या शंकर जयंती गाई जाती है? वैल्यूबल गाया जाएगा या भरतनाट्य पहनी गाया जाएगा? तो शंकर की जयंती जैसे भरतनाट्य पहनी, और शिव बाबा की जयंती बर्थ पाउंड, शिव आत्मा अलग और शंकर आत्मा अलग। और जयंती माने प्रत्यक्ष होना, शंकर जयंती तो ब्रह्मा कुमारियां भी जान जाती हैं। शंकर आया, शंकर आया, शंकर पार्टी आई, उनकी बुद्धि में भी बैठ जाती है बात कि शंकर पार्टी वाले आ गए। शंकर पार्टी वाले आ गए माना शंकर पार्टी कहाँ से निकली होगी, शंकर से ही निकली होगी, तो ये तो उनकी बुद्धि में बैठ जाता है। लेकिन शिव बाबा के बच्चे आ गए, ये उनकी बुद्धि में बैठता ही नहीं। तो शिव जयंती संसार में हो जाए, ब्रह्मा कुमार कुमारियों के बीच में हो जाए, सब धर्म वाले इस बात को जान लें तो निराकार शिव सबका बाप गॉड फादर आया हुआ है, ये बड़ी बात है, ये बर्थ पाउंड जयंती है। बाबा जो मुरली मुरलियाँ हैं, मुरलियाँ टिकट काफी करोड़ों में छिपेगी, बाबा टीवी में अखबारों में होगा कि बाबा आया हुआ है, तो ये कब होगा? कोई बड़ा आदमी चारों तरफ जिसकी शोहरत हो जाती है वो कुछ बोलता है तो अखबारों में नहीं छप जाता है, हैं? तो अखबार लाखों करोड़ों की तादाद में छपते हैं या थोड़ी तादाद में छपते हैं, हैं? ऐसे होगा ये क्यों बड़ी बात हो गई? अब तक प्रत्यक्ष अभी तो बताया बच्चे के द्वारा बाप की प्रत्यक्षता होती है। बच्चे की जयंती कौन सी, कितने दिन हो गए भट्टी किए हुए, भट्टी किए हुए कितना टाइम हुआ है? दो साल हो गए, दो साल में रोज मुरली सुनना चाहिए, रोज तो सारी बात बुद्धि में आ जाए। कृष्ण बच्चे की जयंती बताई या नहीं बताई है? 2018 में कृष्ण जयंती, तो जब कृष्ण जयंती है तो बच्चे के साथ बाप की जयंती तो आई है। बाप किसके द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं, बच्चों के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं। बच्चों में अव्वल नंबर बच्चा कौन है? कृष्ण बच्चे। एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते हैं, एक के पतित बनने से सब पतित बन जाते हैं। हाँ, दिन में लड़ते थे, रात को खीर खंड हो जाते थे, रात को खीर खंड हो जाते थे, हमारे में हैं उससे
हमारे में तो क्रोध का अंत आ गया है। हाँ। बाबा हम आपसे माफी मांगते हैं, क्या क्या इसका अर्थ ये हुआ कि जब रात होती है तो मन अज्ञान की रात हो जाती, बुद्धि में अज्ञान आता है तब आपस में लड़ते हैं, या बुद्धि में ज्ञान आता है कि हम आत्मा आत्मा भाई भाई हैं तब आपस में लड़ाई लड़ते हैं। आत्मा की बिंदी और ड्रामा की बिंदी, अगर बुद्धि में रहे तो ज्ञान है या अज्ञान है? ज्ञान है। तो दिन में लड़ते थे, क्या जब ज्ञान आता है तो लड़ते थे, और जब अज्ञानी हो जाते हैं तो लड़ाई की तो बात ही नहीं, अज्ञानी में तो अंधेरा ही अंधेरा है। ब्रह्मा की रात तो ब्राह्मणों की भी रात, ब्रह्मा का दिन तो ब्राह्मणों का भी दिन। और जोर से बोलो, बनी बनाई बन रही अब कछु बननी ना है, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। तो अब इसमें प्रश्न क्या पैदा होता है, कैसा पुरुषार्थ करें? तो जो बनी बनाई बन रही है उसके बारे में ज्ञान है कि क्या बन रही है? बनी बनाई कितने जन्मों में बनी, कितने जन्मों में बनती है और बिगड़ती है? हैं? 63 जन्मों में बनती भी है और 63 जन्मों में बिगड़ती भी है। तो वो बनी बनाई बन रही है, अब कुछ नई तो बननी है नहीं। माना 63 जन्मों में हमने जितने अच्छे कर्म किए हैं, दूसरी आत्माओं को जितना सुख दिया है, अच्छे कर्म करके अपनी प्रारब्ध बनाई है, पुण्य का खाता बनाया है, वो ही हमारा रील में उदय हो रहा है, हमको अच्छे कर्म करने देगा, श्रीमत पर चलने देगा, श्रीमत के पट्टे से नीचे नहीं उतरने देगा। तो इसलिए बनी बनाई बन रही है, परंतु उसके बारे में मालूम नहीं है हमको। बाबा इस जन्म में जो पुरुषार्थ करें उसको क्या होगा? इस जन्म में जो हम पुरुषार्थ करें वो हमें मालूम है कि हमने क्या बनाई है, रील उदय हो रही है, टाइम की रील जो है वो उभरती जा रही है, लेकिन पूर्व जन्म में हमने क्या क्या कर्म किए हैं वो पता है? जब वो रील उदय हो जाती है, हम अच्छा पुरुषार्थ करना चाहते हैं और फिर खराब संकल्प लगातार आते हैं, तो इससे क्या साबित होता है कि हमने अच्छा कर्म किया है या बुरा कर्म किया है? हैं? बुरे कर्म किए हैं तो रील खराब उदय तो हो रही है। अब इतना हमने जान लिया कि जब पुरुषार्थ हमारा नीचा होता है, बहुत मेहनत करने पर भी पुरुषार्थ नहीं सुधरता है, इससे साबित है कि हमने बुरे कर्म किए हैं, तो बुरी रील उदय हो रही है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, और तीखा पुरुषार्थ करना चाहिए। सारी दुनियादारी छोड़ छाड़ करके एक ही तरफ बुद्धि लगाई देना चाहिए। आखिरी ने एक जैसा समय तो कभी किसी का रहता ही नहीं। और बाबा ने बोला कि सूर्य जब निकलता है तो तपस है, सूरज जब निकलता है और निकलता ही चला जाता है, ऊपर चढ़ता ही चला जाता है, तो गर्मी बढ़ेगी या घटेगी? गर्मी बढ़ती है, यहाँ कौन सी गर्मी की बात है, है? यहाँ ज्ञान की गर्मी बढ़ती चली जाती है। जो सिख लोग ठस बुद्धि वाले हैं, उनकी बुद्धि में ज्ञान उतना बैठता ही नहीं है, क्योंकि आते ही हैं कलयुग के अंत मध्य भाग में, उनकी बुद्धि में भी ज्ञान अच्छी तरह बैठ जाता है, वो भी भगवान को पहचान लेते हैं, क्योंकि सूरज कहाँ पहुंच जाता है, है? दोपहर के 12 बजे कहाँ पहुंचता है सूरज, एकदम शिखर पर, छत को सर के ऊपर आ जाता है। तो ज्यादा तपत बढ़ेगी ज्ञान की तो अर्जुन भी क्या कहेगा, बस 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 बंद करो, अरे हजारों सूर्यों का तपत हम नहीं सहन कर पाएंगे। अभी तो साधारण साधारण ज्ञान की बातें सुनाते हैं।
छोटे छोटे बच्चों को लोरी सुनाई जाती है या तीखी तीखी ज्ञान की बातें सुनाई जाती है? लोरी सुनाई जाती है। आगे चल के ऐसी ऐसी बातें सुनावेंगे जो धरी धराई तुम समय हम समझते हैं कि ये तो हमारी सारी बातें गुप्त हैं। क्या कुछ कोई नहीं जानता हमने क्या किया, पोता मिल नहीं दिया तो कोई हर्जा नहीं, लेकिन वो भी सब बाबा ऐसी बात सुनाएंगे सारी बात क्लियर हो जाएगी, उभर के बाहर आ जाएगी, छुपेगी ही नहीं, कितना भी छुपाना चाहे तो भी नहीं छुपेगी। जैसे अभी कहते हैं मधुवन है शीशे का महल, शीशे के महल में खड़े हो जाओ तो अपना चेहरा भी देख लो और दूसरों का चेहरा भी देख लो, लेकिन सबसे बड़ा शीशा कौन सा है? बाप। सबसे बड़ा आरसी है बाप। तो आगे चल के ये सबसे बड़ा आरसी संसार में प्रत्यक्ष हो जाएगा, इसलिए मुरली में बोला कि कोई ऐसे न समझे कि हमारी गुप्त रह जाएगी, नहीं, कोई का कुछ भी गुप्त रहने वाला नहीं है, हर एक का सब कुछ प्रत्यक्ष हो जाएगा, जितना ही छुपाना चाहेंगे उतना और ज्यादा उगड़ेगा। बड़ी मुसीबत, जब हो तब देखिए। कल्प 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 के लिए लूट हो जाता है, इसका मतलब क्या है? अभी जो बात पूछी बनी बनाई बन रही उसी से कनेक्टेड बात है, जो बनी बनाई बन रही है वो उसके बारे में हमें पता थोड़ा ही है कि हमने क्या बनी बनाई बनाई है, त्रेसठ जन्मों के बारे में हमने क्या बनाया है वो हमें पता ही नहीं है, वो रील में जब सामने आता है तो हम ज्ञान की दृष्टि से पहचान सकते हैं कि हमने अच्छा किया या बुरा किया, वो भी अभी गहराई से नहीं जान पाते। जब मनन चिंतन मंथन गहराई से चलेगा तो हमारे 84 जन्मों की हिस्ट्री हमको खोलने लग पड़ेगी, तो वैसा ही हम करेंगे जैसा 63 जन्मों में किया, फिर बार बार हर एक कल्प के आदि में ऐसा ही करेंगे, इसलिए कहने में आता है कि कल्प कल्प का नूद हो जाता है। बाबा जो नूद होता है उसको किसी भी कर सकते हैं, जो नूद हो जाता है, जो संगम युग में बोला है कि संगम युग तकदीर की रेखा कोई मिलकर नहीं करेगा, संगम युग पुरुषोत्तम संगम युग, हाँ, इसमें तकदीर की रेखा बदल सकते हो, जो नूद है उसको चेंज कर, नूद है वो तुम्हें पता है, 83 जन्मों का तुमको पता है, 84वें जन्म में भी जो इतना बीत चुका है उतना ही तो पता है, अभी आगे क्या होने वाला है 84वें जन्म में वो तुमको पता है, फिर हमको तो कुछ भी पता नहीं है। जब पता ही नहीं है तो ज्ञान की चाबी हमारे हाथ में दी हुई है कि ऐसा कर्म करोगे तो ऐसा मिलेगा, ऐसा कर्म करोगे तो वैसा मिलेगा, मुट्ठी में है तकदीर हमारी, मुट्ठी कौन सी है? ये बुद्ध रूपी मुट्ठी है, इसमें ज्ञान मिला हुआ है, श्रीमत के अनुकूल कर्म करेंगे तो जन्म जन्मांतर सुखी रहेंगे, श्रीमत के बरखिलाफ मन मत पर या मनुष्यों की मत पर कर्म करेंगे तो दुखी हो जाएंगे, बाबा है मुझे में बोला जब पिछाड़ी होगी तब तुम यहाँ आकर रहेंगे, हाँ यहाँ माने कहाँ बाबा, यहाँ किसके कहते हैं और वहाँ किसको कहते हैं, यहाँ माने नजदीक और वहाँ माने दूर, शिव बाबा के लिए सबसे नजदीक से नजदीक कौन सी क्या है,
यहाँ माने शिव बाबा कहीं का रहने वाला है कि नहीं? कहाँ का रहने वाला है? हैं? परमधाम का रहने वाला है। तो शिव बाबा यहाँ किसको कहते हैं? परमधाम को यहाँ कहते हैं। ओ, मधुबन भी परमधाम बन जाते हैं क्या? जहाँ बेहद की मिठास वृत्ति, बेहद की वैराग वृत्ति होती है, वो भी परमधाम का रूप है। तुम बच्चे परमधाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। तो यहाँ हो गया, यहाँ माने जहाँ वाणी चलाते वो मधुबन का रूप हो गया। अभी ये हद का मधुबन है या बेहद का मधुबन है? बाप कहाँ आवेंगे? मधुबन में ही आवेंगे या कहीं दूसरी जगह आवेंगे? बाप तो मधुबन में ही आवेंगे। तो जरूर जहाँ आवेंगे वहाँ बेहद की मिठास वृत्ति वाले इकट्ठे हो रहे हैं और बेहद की वैराग वृत्ति वाले इकट्ठे हो रहे हैं। आया समझ में? जब पिछाड़ी होगी तब तुम यहाँ आकर रहेंगे। यहाँ आके रहेंगे माना ये? तुम बच्चे परमधाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे, इसका क्या मतलब हुआ? यानी इसी सृष्टि पर कोई ब्राह्मणों का ऐसा संगठन होगा, महासंगठन कहो महामधुवन कहो, जहाँ सब बीज रूप आत्मा इकट्ठी हो जाएंगी, संकल्पों के बीज में इकट्ठी हो जाएंगी, एकाग्र चित्त बन जाएंगी, वाइब्रेशन से ही सारी बात होगी, उन्हें वाचा भी चलाने की दरकार नहीं होगी, वाणी से परे वो निर्वाण धाम बन जाएगा साकार में। उसको बोला यहाँ। आया समझ में? वो स्थान कौन सा होगा? माउंट आबू। और पक्की योगी होंगे वही भी आ सकेंगे। हैं? हाँ, जो पक्के योगी होंगे वो ही आ सकेंगे यहाँ। योगी तो थोड़ा थक्का सुनने से भोगियों को तो हाँ हवा निकल जाएगी, इनकी कर्मेंद्रियां भी योग युक्त तो होंगी, वो ही यहाँ आवेंगे। यहाँ माने कहाँ? साकार परम धाम में। और बाबा यूपी में कम आते हैं? है? बाबा यूपी में कम आते हैं? यूपी में कम आते हैं? जब यूपी में संपूर्ण प्रत्यक्षता हो जानी है तो संपूर्ण आ जाएंगे कि कम आवेंगे? हैं? हाँ तो संपूर्ण आ जाएंगे ना। अभी भी प्रत्यक्षता कहाँ हुई है? विदेश में हुई है या यूपी में हुई है? हाँ, यूपी में बाबा कम आते हैं। यहाँ जो प्रत्यक्षता थक्के में हो गई सो, अखबारों में हो गई सो, ऐसी प्रत्यक्षता क्या विदेश में हुई है क्या? अरे कृष्ण के दो जन्म हुए, संगमयुगी कृष्ण, संगमयुगी कृष्ण ब्राह्मण है या नहीं है? हैं? तो ब्राह्मणों के दो जन्म होते हैं, हैं? द्वापर युग की शूटिंग में कृष्ण का जन्म दिखाया है, द्वापर के अंत में कृष्ण हुआ, तो एक तो वो जन्म हो गया, दूसरा जन्म वो है जब यज्ञोपवीत होता है, तो 2018 में दूसरा जन्म भी हो गया, तो पक्का पक्का द्विज हो गया ना। तो आधे से ज्यादा प्रत्यक्षता यूपी में हो गई कि विदेश में हुई? हैं? विदेश वालों की बुद्धि कहाँ धरी रहती है? हैं? भारत में भी कहाँ धरी रहती है? यूपी में। बाबा महाराष्ट्र में जाते आते हैं? कहीं भी जाएं, कहीं भी जाएं, लौट करके कहाँ आवेगा? अरे टूर उर भी में भी जावेंगे, बाहर भी जावेंगे, तो चक्कर लगा के वापस आवेंगे या नहीं आवेंगे?
जैसे समंदर होता है, समंदर में कोई बड़ा समंदर है, उसमें कोई बीच में जहाज पड़ा हुआ है और उसमें कोई पक्षी रहता है, पक्षी उड़ करके इधर उधर चला जावेगा तो कहाँ आवेगा, कहाँ आवेगा, जहाज पर ही आवेगा। मायूस काहे के लिए हो रहे हाँ? विदेशियों को कुछ भी नहीं लेने दोगे, बेचारों के पास भाषा ही नहीं है, आंखों से जो देख लेते हैं सो ही बस उनके पल्ले पड़ता है। भाषा की गहराई न जानने के कारण ज्ञान की गहराई तो पकड़ ही नहीं पाते। और यूपी के लोग, यूपी लोग तो भाषा जानते हैं, भगवान की भाषा, हिंदी भाषा को अच्छी तरह जानते हैं, तो भगवान की वाणी के गहराई में उतर सकते हैं। इसलिए ड्रामा बना हुआ है कल्याणकारी, क्या विदेशी पहले निकलते हैं और भारतवासी बाद में निकलते हैं। दक्षिण भारत है भारत का विदेश, तो दक्षिण भारत की आत्माएं 75 से निकल रही है, 86 से निकल रही है, अभी तक भी निकलती चली जा रही है। अभी भी ज्यादा कहाँ से निकल रहे हैं, हैं? दक्षिण भारत से निकल रहे हैं, लेकिन भाषा नहीं जानते। इसलिए भगवान के दिल की गहराइयों तक नहीं पहुंच सकते। मनमना भव भी नहीं हो सकते उतने। और उत्तर भारत वाले भगवान के दिल की गहराई की बात को समझ सकते हैं, क्योंकि भाषा को जानने वाले हैं। लेकिन उनका ड्रामा में पार्ट लास्ट में निकलने का है, लास्ट तो फास्ट जाने का पार्ट है, तो भी तसल्ली नहीं होती। भगवान विदेश में ज्यादा क्यों जाते हैं? अरे भगवान के तो तीन रूप हैं, त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है, एक ब्रह्मा की मूर्ति, एक विष्णु की मूर्ति, एक शंकर की मूर्ति। ब्रह्मा की मूर्ति तो बेकार हो गई, चलो तो पूजा उजा होती नहीं, काम की चीज नहीं रही। बाकी विष्णु की मूर्ति वो देवताओं को आगे बढ़ाती है या असुरों को आगे बढ़ाती है? तो वो देवताएं कहाँ से निकलेंगे, हैं? यूपी से। विदेशी तो सब इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन आदि हो गए। है एक होता है सो जाना पुरुषार्थ में, एक होता है उठ के बैठ जाना, एक होता है उठ के खड़े हो जाना, एक होता है पुरुषार्थ में चलने लग पड़ना, एक होता है पुरुषार्थ में दौड़ने लग पड़ना, एक होता है पुरुषार्थ में उड़ने लग पड़ना, और एक होता है हाई जंप लगाना। तो मीडियम रहता है विष्णु, क्या पुरुषार्थ में न तो सोता है शंकर जी की तरह, जैसे शंकर जी सोए पड़े हैं, अगर सोता भी है जैसे विष्णु की शेषनाग सैया दिखाई है, तो आधा जगता हुआ और आधा आधा सोता हुआ। सोता माने आंखों से सोता नहीं है, वहां भी जगता ही है। ऐसे विष्णु को जो खड़ा हुआ दिखाया है, इसका मतलब पुरुषार्थ में सदैव खड़ा हुआ है। असली पुरुषार्थ कौन सा है, ज्ञान सुनना सुनाना असली पुरुषार्थ है या पवित्रता को धारण करना असली पुरुषार्थ है? है पवित्रता को धारण करना असली पुरुषार्थ है। उस पुरुषार्थ में शंकर जी आगे हैं, ब्रह्मा जी आगे हैं या विष्णु जी आगे रहता है? विष्णु हमेशा खड़ा रहता है शिव जी के पुरुषार्थ में, इसलिए खड़ा हुआ दिखाया। दुनिया की हर चीज पहले सतोप्रधान होती है, सतोप्रधान माने अव्यभिचारी, फिर तमोप्रधान माने व्यभिचारी। बाबा जी 108 की माला बनेगी तो टोटल कितनी की होगी?
है 108 जो माला बनी राजा टोटल योगी की होगी। मैंने 108 की माला में 12-12 के 9 ग्रुप नहीं है, है? वो 9 ग्रुप जो है वो विदेशियों की बीज रूप आत्माएं नहीं है। 9 ग्रुप्स में विदेशियों की बीज रूप आत्माएं हैं या नहीं है? तो विदेशियों के बीज रूप उत्तर भारत में ही होंगे, है? जब दक्षिण भारत भारत का विदेश है तो उनका नंबर कहीं नहीं लगने देंगे। सारा हाउ अप। हाँ भाई, आज तो बहुत बढ़िया क्लास हुआ, चांदनी की जरूरत ही नहीं पड़ी। गणेश को चूहे की सवारी दिखाते हैं। गणेश को चूहे की सवारी। हाँ, ऐसी आत्माओं का आधार लेता है जो अंदर ही अंदर जमीन खोखला कर देती है, पता ही नहीं चलता घर में रहने वालों को कि हमारा सारा घर खोखला हो गया। जैसे देहरादून में एक भाई पहुंचा एडवांस का, 6 महीने तक अंदर ही अंदर खोखला करता रहा सारे सेंटर को, खोखला कर करके सारा पोला बना दिया। और 6 महीने के बाद जितनी भी आत्माएं निकली उनको सबको एडवांस ज्ञान दे दिया, 1-2 दिन के अंदर इकट्ठा करके, और सारी एडवांस में आ गई और सारा सेंटर बैठ गया, खुद जाके शादी कर ले। चूहे में दम होती है क्या? है? चूहे में दम डकार नहीं होती है, है? गणेश जी का पार्ट किसका है? अव्वल नंबर गणेश कौन है? अरे गणेश हनुमान का पार्ट दिखाया है सीढ़ी के चित्र में, कौन से युग से शुरू होता है? हैं? कलयुग में। तो गणेश और हनुमान का पार्ट बजाने वाली पहली आत्माएं कौन है? हैं? राम और कृष्ण। तो कृष्ण वाली आत्मा उसमें प्रवेश करके, चूहे पे प्रवेश करके और ये पार्ट बजाती है, सारा कार्य संपन्न हो जाता है। ऐसे ही हमको भी गुप्त में घुस जाना चाहिए, अंदर ही अंदर पोला करना है। जब टाइम आए, देखा कि मजबूती आ गई, तभी बंटा डार कर दो। जगत पिता और माता को क्या घोषित कर दिया गया? बाबा को जगत पिता और माता को नहीं घोषित कर दिया गया। कौन से बाबा को और मम्मा को? कमला देवी जी। तो नहीं होता, शुरुआत में प्रत्यक्ष ही तो नहीं होता है, प्रत्यक्षता यज्ञ के आदि में होती है या ज्ञान यज्ञ की संपूर्ण आहुति होती है तब प्रत्यक्षता होती है, आदि में प्रत्यक्षता ही तो नहीं होती है। सुप्रीम सोल बाप प्रवेश करता है, आत्मा जब गर्भ में प्रवेश करती है तब अप्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है या बाद में प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है? आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है तो कुछ पता नहीं चलता कब प्रवेश हुआ कब नहीं प्रवेश हुआ। तो 1936 में जो प्रवेश हुआ वो किसी को पता नहीं, ये तो 1976 के बाद अब पता चल रहा है कि हाँ 1936 में सुप्रीम सोल ने प्रवेश किया, किसमें किया, कैसे किया, तब थोड़े किसी को पता था। जो अम्मा बाप की प्रत्यक्षता हो जाए, ओम शांति।